न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के आदेश पर प्रार्थना पत्र संख्या 394/12/2021 में आवेदक आशीर्वाद पांडे के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की न्यायालय ने संज्ञान में लेकर अधिवक्ता आशीर्वाद पांडे के पिता लक्ष्मी दत्त पांडे निवासी ग्राम आलमपुर मलावा बुजुर्ग थाना सरायनाइट प्रयागराज के हत्याकांड को संदिग्ध मानते संज्ञान में लिया। आपको बता दें कि आवेदक आशीर्वाद पांडे के पिता अधिवक्ता लक्ष्मी दत्त पांडे की मृत्यु 23/4/2021 को हुई थी, जिसमें अब कई रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां आवेदक ने विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम बहुत ही दबाव के बाद कराया गया। वहीं अधिवक्ता आशीर्वाद पांडे ने एक बात का और खुलासा किया कि उनके पिता के मृत्यु के बाद शव को गाड़ी में भरकर फूलपुर तहसील में जाकर उनकी संपत्तियों का वसीयत कराने के लिए विपक्षी गढ़ गए थे और आवेदक के मुताबिक मृतक पिता के फोन पर 31/1/2021 को किसी के फोन कर उनकी सारी संपत्तियों बच्चों में बांट देने का दबाव बनाया गया था और बराबर धमकी मिल रही थी। इन सभी तथ्यों को बड़ी ही गंभीरता से न्यायालय ने लेते हुए सरायनाइट थाने में FIR दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए, जिसमें 3/1/2022 को दरोगा भीष्म नारायण सिंह उपनिरीक्षक सहसो सहित दो सिपाही व 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 34/302/120B और 504/506 IPC के अंतर्गत यह FIR दर्ज किया गया है। उम्मीद है कि माननीय न्यायालय मामले की जांच किस विशेष सक्षम अधिकारियों द्वारा